और कुछ इंस्ट्रक्शन है? अभी मैं यही आइलैंड पे ही रुकूंगा अभी 3 दिन, तो डिसाइड कर लिया, 1 दिन और एक्सटेंड कर लिया। यहाँ पे जैसे कि मैं थोड़ा पढ़ा भी था लेकिन कंफर्म नहीं था, ब्लूमिनेशन बीच देखने को मिला बोल के, लेकिन यहाँ तो कंफर्म कर दिया कि यहाँ पे मिलता है। टूर बुक करना पड़ता है वहाँ पे जाने के लिए उस बीच पे, वहाँ से फिर दिखता है। ये हमारा फंकी हॉस्टल, ये दिखाते हैं हॉस्टल कैसा। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे पहले स्विंग के बाय लिखा है फंकी बीच, और कुछ इंस्ट्रक्शन है पिट स्टॉप इफ यू कैन बी हैप्पी या एटलीस्ट यू कैन बी ड्रंक, और सब कोर्स वगैरह यहाँ पे भी थोड़ा बहुत लिखा हुआ है। तो ये है हॉस्टल हम लोग का, हॉस्टल रूम 6 डॉर्मेटरी बेडरूम, और लॉकर प्रोवाइड किया हुआ है। हेलो, ये डबल बेड, ये कोरोंग आइलैंड है, बहुत ही ब्यूटीफुल है पूरा। देख पानी तो बहुत ही साफ है पूरा, मतलब पूरा साफ बोलते हैं, मालदीव वालदीव वगैरह ये भी उससे कुछ कम नहीं है। और बालू तो पूरा वाइट, पूरा वाइट मतलब इतना पतला है कि जैसे इतना पतला बोलूँ, सूजी से ही तो बहुत पतला है, सूजी सूजी भी नहीं, कैसे बोलूँ यार, कोई पतला से ज़्यादा ही नहीं आ रहा, बहुत पतला है बस। यहाँ पे सब देख सकते हो पत्थर पे कैसे पूरा सी सेल्स है, पूरा मतलब हार्श कोड होके पूरा चिपक गया है। मैं देखा मैप में जितना देखा था है, इस साइड से एक ही मेन रोड है, मतलब जो अंदर से जाता है बीच होके जाना पड़ेगा तो यही रास्ता है। ये एक छोटा सा पोर्ट है, यहाँ पे खाते हैं।
कल जैसे पूरा दिन घूमा देखा, आज अभी जा रहा हूँ आइलैंड पे। कुछ लोकल चीज है, देखते हैं, घूम के देखता हूँ टाउन कैसा है, क्या क्या जगह है। कुछ तो ऐसे मतलब है नहीं स्पेसिफिक, मतलब देखने लायक नहीं, मतलब कुछ मतलब यहाँ जाना है बोल के, वहाँ जाना है बोल के। बस गूगल पे सर्च किया, कुछ तो नहीं मिला, नहीं ज़्यादा कुछ, बस बीच ही है क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सब कवर कर लिया है। ठीक, वही जा रहा हूँ देखने के लिए क्या क्या है जगह इसमें, उसी हिसाब से फिर घूम के निकलना है। एक चीज है इस आइलैंड पे कि क्या सब चीज थोड़ा महंगा, सब चीज मिनिमम जैसे हॉस्टल वगैरह हो गया मिनिमम $9 से $10 शुरू होता है, और खाना वगैरह कहीं भी खाओ मिनिमम $5 तो हो गया, मतलब 400-500 हम लोग का ले ही लो मिनिमम $5। लेकिन जो बाकी जगह पे $5 मतलब आता था ना, मतलब $5 तो वहाँ पे भी मिलता था, लेकिन यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी लो तो $5 भी आ जाता है वही। और एक जगह है ये जो मैं आइलैंड पे रुक रहा हूँ जिस साइड पे, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ही महंगा है। अगर आप सेंटर के आसपास जाएंगे जहाँ पे मार्केट वगैरह है, जहाँ पे परसों में गया था, अभी जाऊँगा अभी इसके बाद, वहाँ पे खाना नॉर्मल मार्केट वगैरह है बोल के स्ट्रीट फूड वगैरह है आपको मिल जाएगा। इस तरफ है रेस्टोरेंट वगैरह बहुत सारा है, वही रेस्टोरेंट के हिसाब से खाना प्राइस पड़ता है $10-$15 होता है, तो वही पैसे को देख के। अभी तक तो लंच नहीं किया है, जा रहा हूँ कौन तो अभी साला एक अकेला आदमी 1500-1800 देके एक लंच करेगा। चलते हैं वहाँ मार्केट घूम के वहीं पे लंच करेगा, देखते हैं फिर मार्केट कैसा है दिन में, तो कहीं पे सनसेट का व्यू मिल जाएगा तो और अच्छा होगा।